मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए हेवी ड्यूटी वाली 5 बेस 1.5 टन 5 स्टार AC। इन सब के फीचर्स के बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगी। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप सबको इसी तरह के वीडियो के अपडेट आगे भी मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि जब भी आप लोग एक AC बाय करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने ध्यान में ज़रूर रखें। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कूलिंग एंड पावर एफिशिएंसी, बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विसिंग। आप लोग ज़रूर चेक कर लें कि जिस एरिया में जिस ब्रांड की सर्विसिंग अच्छी होगी तो आप लोग उसी ब्रांड की AC बाय करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि मार्केट में सारे ब्रांड बोलते हैं कि मैं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन AC आपको मिलता है, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि आप लोग जब भी एक AC बाय करें तो साथ में स्टेबलाइजर भी बाय करें, क्योंकि अगर आप स्टेबलाइजर बाय नहीं करते हो तो इंडिया में पावर फ्लेक्सिबल के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी एक बार PCB ख़राब हो गई तो जो स्टेबलाइजर का वह कॉस्ट पड़ता है ना, उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, आप लोग स्टेबलाइजर ज़रूर साथ में खरीदें अपने AC के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको एक नॉन इन्वर्टर AC लेना चाहिए या फिर इन्वर्टर AC लेना चाहिए। तो आपको एक हमेशा इन्वर्टर AC ही लेना चाहिए। और इन सब के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रही हूँ, मैंने जो 5 बेस AC के वीडियो बनाए हैं तो उस वीडियो में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ प्रोज एंड कॉन के साथ। मैंने 5 नंबर पे लिया है लॉयड का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लॉयड के AC के फीचर्स के बारे में। तो इसमें जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है वो आपको मिल रही है 5100 वाट का, और ये एक्चुअल टन के हिसाब से ये आपको 1.45 टन का है। ये इस AC को आप अप टू 180 स्क्वायर फीट एयर सील कमरा में आप इसको यूज कर सकते। इस AC में आपको ICR रेटिंग मिल रही है 5.06, एनुअली एनर्जी जो कंज्यूम करती है 780 यूनिट ये AC ईयरली एनर्जी कंज्यूम करती है। इसका जो नॉइस लेवल मिल जाएगा 39 dB आपको इसका नॉइस लेवल मिलेगा। ये AC 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है। R32 रेफ्रिजरेंट इको फ्रेंडली, इसमें आपको गैस मिल रहा है जो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। इस AC में आपको लो गैस डिटेक्शन के फीचर्स भी आते हैं। अगर मान लीजिए कभी गैस की प्रॉब्लम हुई तो इसमें आपको E5 का एरर शो करने लगेगा। तो आप समझ लो कि आपके AC में गैस की प्रॉब्लम है, तो आप टेक्नीशियन को बुला के इसको चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको मिल जाता है फ़िल्टर क्लीनिंग के भी आपको इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं। अगर फ़िल्टर गंदा है तो इसमें भी CLK ईडर शो करने लगेगा। आपको इसमें इंसुलेशन चेक के भी फ़ीचर्स मिल जाते हैं। 52 डिग्री टेम्परेचर पे ये AC टेस्टेड है। वैसे इंडिया में तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो उस टेम्परेचर पर भी ये AC काम करेगा। और नेक्स्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको आपके PM2.5 के एयर फिल्टर्स मिल जाते हैं, जिससे आपका ये बेनिफिट होगा जो आपको हमेशा क्लीन एयर मिलेगा। और अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो इसमें जो आपको वारंटी मिल रही है 1 ईयर की कंप्लीट, 5 ईयर PCB और 10 ईयर आपको इसमें कंप्रेशर की वारंटी मिल रही है। आप स्प्लिट AC किसी की भी अब लो, सब में आपको PCB की 5 ईयर की वारंटी आ रही है। बहुत कम ऐसे ब्रांड होंगे जो 5 ईयर की PCB की वारंटी नहीं दे रहा है स्प्लिट AC। आपको AC बाई करने से पहले इसके कॉन्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसके कंप्यूटर ब्रांड है ना, वो कॉइल क्लीनिंग के भी अलग से फीचर्स देते हैं इंडोर यूनिट के, बट आपको इस AC में नहीं मिलने वाला है। और ये AC जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा सा नॉइज करता है, बट ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर ये कौन सा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस AC को बाय कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूँ तो बजट फ्रेंडली है, आपको कम प्राइस में बहुत बेटर AC मिलने वाला है। ऑल रिक्वायर्ड आपको फीचर्स मिल रहे हैं, जो आपको एक स्प्लिट इन्वर्टर AC में सारे फीचर्स चाहिए आपको सब फीचर्स इस AC में मिल रहा है। तो इसके बेस्ट प्राइस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। मैंने 4 नंबर पे लिया है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC। ये AC आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ मिलने वाला है। 1.5 टन का AC है। ICR अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 5.1 है, और कूलिंग कैपेसिटी आपको 5200 वाट का मिल रहा है। एक्चुअल टन के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा, 4-way स्विंग के साथ मिल रहा है, 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ मिल रहा है, AI मोड के साथ मिल रहा है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल रहा है। बट आप लोग ये गलती मत करना, जब भी आप लोग एक AC बाय करना तो स्टेबलाइजर ज़रूर साथ में बाय करना। 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल के साथ मिल रहा है, ब्लूफिन कोटिंग आपको इसमें कंडेंसर कॉइल में देखने को मिलेगा। सुटेबल टू अप टू 80 स्क्वायर फीट के
एयर सील्ड कमरा में आप इस एसी को यूज कर सकते हैं। 2.5 का आपको इसमें एयर प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन मिल रहा है, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा जो आपको हमेशा क्लीन एयर मिलेगा। वाईफाई सपोर्टेड मॉडल है, गूगल अलेक्सा सपोर्टेड है इसके अंदर, और इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस के भी फीचर्स मिल रहे हैं। और अगर मैं इस एसी में अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 1 ईयर कम्प्लीटेड वारंटी, 5 ईयर पीसीबी, 10 ईयर कंप्रेसर और 5 ईयर आपको आउटडोर यूनिट पे भी वारंटी मिल रही है, जो कि बहुत ही बेटर है। और चलिए इस एसी को बाय करने से पहले इसके कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। इसका जो आउटडोर यूनिट है ना, वो थोड़ा सा साइज में छोटा है, और जब ये एसी स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा नॉइज करता है, बट धीरे धीरे फिर ये एसी नॉर्मल हो जाता है। बट ये मेजर कॉन्स नहीं है, आप इस एसी को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एसी के प्रोज के बारे में जानते हैं। तो इस एसी में आपको जो प्रोज मिल रहा है, बेस्ट कूलिंग आपको इस एसी में मिलेगा, वाईफाई एनेबल है, और इस एसी को आप ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल में डाउनलोड करके पैनासोनिक का ऐप आता है, तो ये हर तरह से बेटर एसी है। तो इसके बेस्ट प्राइस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। मैंने 3 नंबर पर लिया है डाइकन का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलेगा। इसकी जो ICR रेटिंग आपको जो मिल रही है 5.2, आपको इसमें इसकी ICR रेटिंग मिलेगी। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ना, 5280 वाट का आपको इसमें कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, जो एक्चुअल टन के हिसाब से 1.5 टन ही होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये एसी ना 1.5 टन के कैपेसिटी के साथ आती है, और जो अदर एसी होती है ना, वो थोड़ी सी कम आती है। कंपनी इतनी स्मार्ट है ना कि वो आपको पता भी नहीं चलने देती है। स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को आपको इसमें मिलता है, 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल के साथ है, जो कि अभी आपको सारे ब्रांड के एसी में देखने को मिलेगा। ये एसी 150 से लेके 182 स्क्वायर फुट के लिए रूम के लिए सूटेबल है। 3D एयर फ्लो, ट्रिपल डिस्प्ले, ये सारी यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ ये डाइकन का एसी आपको मिलेगा। और अगर मैं कूलिंग की बात करूँ तो अप टू 54 डिग्री टेम्परेचर पर ये टेस्टेड है कि आपके रूम को ये अच्छे से ठंडा रख पाएगी। और अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्रेसिव वारंटी, 5 ईयर PCB और 10 ईयर आपको इसमें कंप्रेसर की वारंटी मिलने वाली। इसके जो मेजर प्रोज है ना, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा है 5280 वाट का, जो एक्चुअल ना 1.5 टन का ही एसी है, जो कि सबसे बहुत अच्छा है। और इसका जो आउटडोर यूनिट है ना, वो आपको बड़े साइज का मिलेगा अदर एसी से। और अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूं तो इसके जो कॉन्स है ना, ये एसी जो है ना, ये कन्वर्टेबल एसी नहीं है। नहीं तो सारे फीचर्स आपको डाइकन में बहुत बेटर मिल रहे हैं, जो आपको एक नॉर्मल स्प्लिट एसी में, इन्वर्टर एसी में जो सारे फीचर चाहिए, आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स आपको इस एसी में मिल रहे हैं। तो इसके बेस्ट प्राइस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करके बाय कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सर्विस। तो आपका डाइकन के एसी का ना सर्विस आपको बहुत ही बेटर मिलेगा। मैंने 2 नंबर पे लिया है ओ जनरल का 1.5 टन 5-स्टार एसी। इस एसी में अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है ना, 5280 वाट का इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही, जो आपको एक्चुअल टन के हिसाब से 1.5 टन ही होगा, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा जो अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और इस एयर कंडीशनर को आप अप टू 200 स्क्वायर फीट के रूम में इसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके ICR रेटिंग की बात करूँ तो 5.15 आपको इसमें इसकी ICR रेटिंग मिल रही है। इसका जो नॉइस लेवल है ना, 30 dB आपको इसमें इसका नॉइस लेवल मिलेगा। और ये ऐसे ईयरली जो बिजली कंज्यूम करेगा ना, 794.06 यूनिट ईयरली बिजली कंज्यूम करेगा। इसमें जो आपको कंप्रेसर मिल रहा है ना, हाइपर ट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर मिलता है, जो 55 डिग्री तक टेस्टेड होता है। तो आपको जहाँ ज़्यादा भी गर्मी पड़ती है ना, वहाँ पे भी एसी ये काम करता है, वैसे इंडिया में 55 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं जाता है। इस एसी में आपको सेल्फ डायग्नोसिस के भी फीचर्स मिल रहे हैं। और इसमें जो आपको नेक्स्ट फीचर्स मिल रहा है ना, वो मिल रहा है सिलिकॉन कोटेड PCB मिलता है, जिससे क्या बेनिफिट ये होता है, जो आपके PCB होते हैं ना, उसके लाइफ ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसमें आपको PM2.5 के फिल्टर मिल रहे हैं, जिससे आपको हमेशा क्लीन एयर मिलेगा। इस एसी में जो आपको वारंटी मिल रही है ना, उसमें आपको मिल रही है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी, और इसमें आपको 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी मिलने वाली है। चलिए हम एसी बाय करने से पहले इसके कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। हाई प्राइस होता है,
हार्ड टू मेंटेन होता है इसका, क्योंकि ये एसी इंडिया में नहीं थाईलैंड में बनता है, तो जो इसके प्रॉब्लम होती है ना, जो इंडियन टेक्नीशियन होते हैं उनके जल्दी समझ में आता नहीं, इसीलिए इसके जो मेंटेन होते हैं वो हाई होता है, और ये एसी कन्वर्टेबल नहीं है। और अगर ये कौन सा आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है तो आप इस एसी को बाय कर सकते हो। कूलिंग एफिशिएंसी आपको इसमें बहुत अच्छा मिलता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, और ये एसी जल्दी ख़राब नहीं होता है, और इसमें इसी में ना इंसुलेशन फ्री के भी ऑफर चलते रहते हैं, तो आप जहाँ से बाय करें वहाँ से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप इस एसी को बाय करना चाहते हैं तो इसके बेस्ट प्राइस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। मैंने वन नंबर पे लिया है मिसुबिशी का 1.6 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ये एसी इंडिया में ना हैवी ड्यूटी के लिए जाना जाता है। बेसिकली ये एसी में आपको कूलिंग बहुत ही बेटर और बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो इस एसी में अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मिल रही है 5825 वाट का, इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है जो एक्चुअल टन के हिसाब से 1.65 टन ये एसी। और इस एसी की जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है ना वो है 6900 वाट का, आपको इसमें इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। और इस एसी को आप अप टू 230 स्क्वायर फीट के कमरा में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो ICR रेटिंग है ना वो 5.70 आपको इसकी ICR रेटिंग मिल रही है, और इसका जो नॉइस लेवल है ना 31 dB आपको इस एसी में नॉइस लेवल मिल रहा है। इस एसी में आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल 100% मिल जाता है। इसमें जो गैस मिलती है ना R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलती है जो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इस एसी में आपको ना हाइपर इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो 55 डिग्री में भी आपको कूलिंग बहुत ही अच्छी देती है, नॉन स्टॉप रुकेगी नहीं, बहुत अच्छी कूलिंग आपको इस एसी में मिलने वाली है। और अगर मैं इस एसी में फिल्टर की बात करूं तो इसमें आपको एंजाइम फिल्टर, सोलर फिल्टर और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी मिल जाता है जो कि हवा से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा और आपको क्लीन एयर देगा। और साथ ही आपको इसमें 3D एयर फ्लो देखने को मिलता है, जिससे आपको यह बेनिफिट होगा जब भी आप एसी चलाओगे तो आपको कमरा को फास्ट कूलिंग करने में हेल्प करेगा। और साथ ही आपको इस एसी में सारे मोड देखने को मिलेंगे, जिसमें ड्राई मोड, ऑटो मोड, फैन मोड, स्लीप मोड, ये सारे मोड आपको इस एसी में मिलने वाले हैं। बात करते हैं इस एसी की वारंटी के बारे में, तो इस एसी में आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पे आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है, 5 ईयर PCB और 10 ईयर आपको इसमें कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है। और इसका जो ICR रेटिंग है ना 5.70 है, तो बिजली कंजप्शन आपको बहुत कम होने वाला है, तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखें। अब बात करते हैं इसके कौनस की, तो इसकी जो प्राइस होगा ना वो हाई होगा, हार्ड टू मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये एसी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ये एसी मेड इन थाईलैंड या फिर मेड इन जापान होता है, तो इसके जो मेंटेनेंस होते हैं ना वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, पार्ट इशू रहता है, लेस फीचर्स होते हैं इसके अंदर। तो जब भी आप लोग एक मिसुबिशी का एसी बाय करें ना तो डिस्ट्रीब्यूटर शॉप से ही बाय करें, क्योंकि वो ही आपको अच्छे से इस एसी की वारंटी और सर्विसिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखिए कि आप लोग मिसुबिशी का एसी डिस्ट्रीब्यूटर शॉप से ही बाय करें। अब बात करते हैं प्रोज की, तो इसमें एसी में जो आपको कूलिंग मिलेगी ना बहुत अच्छी आपको इस एसी में कूलिंग मिलने वाली है, लॉन्ग एयर थ्रो है इस एसी का, और इस एसी की क्वालिटी बहुत बेटर है, ये एसी जल्दी ख़राब होती ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखें। और अगर आपको इस एसी को बाय करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर शॉप से आप लोग जाके बाय कर सकते हैं।